कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें हमें ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, और इसका यूज़ करके आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। सहजन के पत्ते नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करते हैं। इसको लेने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और ये हमारे घर के पास लगा हुआ है, वहाँ से मैंने ये सहजन की जो पत्तियाँ हैं इसे तोड़ रही हूँ। सहजन को ड्रम स्टिक भी कहा जाता है, और ये देखिए हमने सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं और अब हम इसका जूस तैयार करेंगे। इसको लेने से हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, हमें बार बार भूख भी नहीं लगती है। यह एक एंटी एजेंट की तरह काम करता है। सहजन की सब्जी के साथ साथ हमें सहजन के पत्तों का जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह ड्रिंक तेज़ी से वजन घटाने के साथ साथ यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म व इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और डायबिटीज़ के मरीज भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल, और ये सहजन की पत्तियाँ ली हैं। इसे अलग कैसे करेंगे ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक पत्ती हमें लेनी है और इसको साइड से पकड़ना है और इसे खींच देना है, और ये देखिए सारी पत्तियाँ इसकी अलग हो जाएंगी। और ये बहुत ही सिंपल है, इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसे ऊपर की डंडी पकड़नी है और इसे नीचे की साइड खींच देना है, और ऐसा करने से सारी पत्तियाँ अलग हो जाएंगी। मैं लगभग एक कप पत्तियाँ का यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए एक कप पत्तियों को पहले पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है। 2 से 3 पानी से इसे सबसे पहले अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए। और ये हमने एक भगोना लिया है, इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, और इसे अब हम बॉईल करेंगे। और ये देखिए बॉईल हो चुका है, इसमें ये जो हमने वॉश करके पत्तियाँ रखी थी इसको इसमें ऐड कर देंगे। और इनसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और इसका कलर भी नहीं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये देखिए गैस को हमने ऑफ़ कर दिया, और ये हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने स्ट्रेनर लगा दिया है, और ये जो पानी था इसको हमने छान लिया है, और इसकी जो पत्तियाँ थी इसको हम मिक्सी जार में, सबसे पहले इसको हम एक पेस्ट तैयार करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और ये जो सहजन का पानी हमने तैयार किया था उसमें से ही थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, और एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये हमने सारा पानी इसमें मिक्स कर दिया है, और इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। और छानने के बाद ये देखिए पानी का कलर कितना अच्छा आया है। इसमें हम 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हमारे बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी स्किन की कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। अब इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। शहद खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये कई रोगों में निजात दिलाता है, और ये आप इस महामारी में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपका वेट भी लॉस होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बात आती है इसे यूज़ कैसे करना है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ही यूज़ कीजिए, और इसका यूज़ सोने से 2 घंटे पहले करना है। और इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और इससे आपका वज़न बहुत ही जल्दी से घटेगा। और अगर आपने इसका पाउडर तैयार कर रखा है तो आप उसको यूज़ करने के लिए 1 ग्लास पानी लीजिए, और उसमें 1 चम्मच पाउडर ऐड कीजिए, और 30 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसका सेवन कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप इस महामारी में संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिए शेफ पूनम घर की रसोई।